हेलो, मैं यहाँ आपको एक नीम के फल का एपिजियल जर्मिनेशन दिखाने आई हूँ। ठीक है, बीज का भी कह लीजिए, डाइकॉट सीड होता है ये, और इसके सीड दो पार्ट में बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सीड ऊपर आ जाता है। पेड़ पहले दिखा देती हूँ, सबको नोन है ये, और ये जो है वो बड़ा सा ट्री, और जो नीचे बीज गिरे हैं ना, आइए बीज दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये गिरे हुए फल हैं, फल कहना चाहिए, मैं उठा रही हूँ एक, ये देखिए ये एक ड्राई फल है इसका, है ना। इस ड्राई फल को एक मिनट फिर से उठा लेते हैं, कहाँ गिरा ड्राई फल जो है, एक पैर हाथ में भी दिखाते हैं। देखिए ड्राई फल ये ऐसे सूख गया है, ये ऊपर की ये कवरिंग हटाएंगे तब इसके अंदर से सीड निकलेगा। ये दिखा भाई, ये ऐसे, ये देखिए ये सीड निकला, और ये जो सीड है ना ये डाइकॉट है, मतलब ये दो दो पार्ट का बना हुआ है, दो में डिवाइड हो सकता है। इसको ऐसे बीच से निकाल दें, दिखाई पड़ेगा कि दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, बहुत हार्ड है, इसके अंदर यानी इसके कवर के अंदर, यहाँ इसके अंदर सीड होगा। अच्छा, जब बहुत ड्राई हो गया, जिसको मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ, नाइफ लेकर आई थी, अनसक्सेसफुल रही, वो जब ड्राई हो गया तो देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे ना ये पार्ट ऐसा, तो ये प्रेस करने पे टूट रहा है, ये टूट गया, ये कवर निकल गया इसके अंदर ऊपर का, है ना। और अब इसके अंदर से जो निकला है वो सीड है, ये है इसका सीड। सीड देखिए बहुत क्लियर ऐसे ऐसे और ऐसे डिवाइड हो रहा है, ये हमने निकाल लिया, देखिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये सारे सीड देखिए यहाँ पर गिरे हैं, तो ये थोड़ा मिट्टी वहाँ चट्टान है, तो यहाँ जमने का कोई ऑप्शन नहीं है, पर अब यही सीड यहाँ पे जर्मिनेटेड दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं, आइए देखें, अब यहाँ हम इसका देखते हैं कुछ, देखें नीचे की तरफ इसको जो है ये थोड़ा सा नीचे ये करें, हाँ ये देखें, देखो ये सीड का जो दो पार्ट था वो दो पार्ट यहाँ जर्मिनेट होके ऊपर निकल आया। ऊपर निकल आया का मतलब कि सीड का कॉटलीडॉन ऊपर आ गया है। अगर इसको रूट समेत हम बाहर कर लें ये ऐसे यूँ ना, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये पार्ट, ये रेडिकल से बना है, ये हिस्सा रेडिकल से बना है, और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। ये जो हिस्सा है ये तो ये सीड वाला पार्ट है ना, जो कॉटलीडॉन का हिस्सा था वो, ये एपिकोटाइल है, और ये पहली वो बनी हुई है लीफ। अब हमें ये देखना है कि क्या सीड वाकई बाहर आता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दिख जाता तो मैं अभी तुरंत दिखा देती हूँ कि सीड आता है, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे बोर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, देखिए बिल्कुल केवल सीड के दोनों कॉटलीडॉन ही दिख रहे हैं, प्लीम्यूल वाला हिस्सा जो है वो बहुत छोटा है इसमें। यहाँ हाइपोकोटाइल की ग्रोथ इतनी हो गई है कि वो मिट्टी से बाहर आ गया है, क्योंकि ये दोनों कॉटलीडॉन बाहर हैं, इसलिए हम इसको एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इससे एक और इनिशियल स्टेज दिखाते हैं, देखिए और आगे आइए आप, ये हटाते देखिए, ये दिखाई पड़ेगा, इसीलिए लेकर आए थे। ज़रा ये देखें आप, ये देखिए ये ऊपर का कवर दिख रहा है, सीड के ऊपर जो कवर मैंने हाथ से तोड़ के निकाला था वो कवर दिख रहा है, और इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसको निकालिए, देखिए सीड का कवर कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये कुछ भी नहीं निकला है अभी, जो है सीड का जो पहला पार्ट है, मतलब ये जो कवर हमने मैंने हाथ से तोड़ा था, इसमें तोड़ा था, एक और तोड़ लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ तोड़ेंगे, ये ऐसे तोड़ने पर जो ये निकल के आ रहा है ना, ये अंदर से, ये अंदर का पार्ट, तो जब ज़मीन में इसको अपने आप ही प्रकृति ने भेज रखा है, प्रकृति ने भेजा तो ये जर्मिनेट होकर ऊपर आ गया। एक और देख लेते हैं कहाँ गया, ये देखिए ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें ये देखिए, ये देखिए है ना, ये दो कॉटलीडॉन हो गए और ये प्लीम्यूल हो गया। अब मैं आपको यही चीज़ है ना बोर्ड पर पढ़ाती हूँ, आइए देखते हैं कहाँ। हाँ चलिए अब देखते हैं, देखो ये सीड है, पेड़ से गिरा ना तो मिट्टी के अंदर गया होगा, ये मिट्टी के अंदर चला गया, या थोड़ी बहुत मिट्टी कवर, जैसे ही कवर की उसका रेडिकल निकल के बाहर आ गया। ठीक है, ये जब उसका कॉटलीडॉन ऊपर गया तो ये ऐसे ही, ये हाइपोकोटाइल है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे जो डाइकॉट सीड था वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ हुई, इसमें हाइपोकोटाइल ये हिस्सा जब ग्रोथ हो गई तो देखिए सीड तो दो पार्ट में है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए ये दो पार्ट में दिख रहा है, अंदर की तरफ से प्लीम्यूल भी दिख रहा है थोड़ा सा, अगर दिखे तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इसके अंदर हल्का सा छोटा सा, लेकिन अभी एपिकोटाइल की ग्रोथ नहीं हुई है, रूट अंदर रह जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। इसकी एडवांस स्टेज में देखिए क्या हो रहा है, रूट अंदर रह गई, दोनों कॉटलीडॉन बाहर आ गए, ये हाइपोकोटाइल है, यानी इसको हटा दें,
तो ये हाइपोकोटाइल है ये, ठीक है। और ए प्लीम्यूल वाला हिस्सा, यानी ये हिस्सा जो था ये प्लीम्यूल से बना, PLUMULE। अब यहाँ देखिए रूट नीचे की ओर रह गई, ये कॉटलेडॉन बाहर आ गया, प्लीम्यूल से पत्ता बन गया और नया प्लांट ऐसे ग्रो कर जाएगा। इस तरीके के जर्मिनेशन को यहाँ देखिए, ऐसा जर्मिनेशन जिसमें हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा हो, यानी इसकी EXCESS हो रही है, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा हो एपिकोटाइल के कंपैरिजन में, ये ऊपर जाके प्लीम्यूल बनाएगा। जब ये दोनों कॉटलीडॉन बाहर आ जाएं तो उसको हम एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं, और ये हमने लिखा एक्सेस ग्रोथ। एक जो प्लांट हमने लिया वो नीम था, तो इस तरीके से आप कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। टाटा बाय बाय, लाइक।